तो गाइस मैं वापस आ चुका हूँ पार्टी से। मुझे मतलब वो नहीं हो रहा था, मज़ा नहीं आ रहा था। तो अभी भी पार्टी चल रही है और मैं वापस आ गया, अभी यहाँ पर सो होगा और देखता हूँ मैं। कल हम लोग 5:30 को सुबह को बुशी डैम जा रहे हैं कल। सो उम्मीद है मैं आप लोग को बता पाऊँ बुशी डैम कैसा दिखता है। सो गाइस अभी रात के कुछ बज रहे हैं 8:43 के आसपास कुछ बज रहे हैं और हम लोग, मैं अभी यहाँ पर स्विमिंग पूल के पास में हूँ, ये रात में स्विमिंग पूल। सो यहाँ पे देखो लाइट वाइट सब अंदर है, लेकिन फिर भी रात को आप मत जाना गाइस, मैं सच्ची बोल रहा हूँ, सर्दी पड़ जाएगी आपको गलत वाली। और अगर आप बारिश के सीज़न में जाना मत जाना, अगर आप गर्मी के सीज़न में बाहर जाओ तो एक बार ठीक है, बट लूना वाला ही है। और यहाँ पर ना ज़्यादा गेट वेट खुला मत रखना, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे इंफेक्शन आते रहते हैं, बहुत सारे हम लोग के घर पे अभी 3-4 घुस गया, बहुत खतरनाक वाला है जिला में। सो अभी यहाँ का एटमॉस्फेयर अच्छा नहीं है, यहाँ पे आपको अच्छे से आवाज़ नहीं आएगी, तो मैं अंदर चल के बात करता हूँ विला के अंदर ऊपर, ठीक है। तो ये देखो बैक कैमरा से मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखो इतना अच्छा विला है। ये विले के सिर्फ 12,000, सिर्फ और सिर्फ 12,000 सिर्फ विले के और स्विमिंग पूल। और इसके अंदर अगर आप जगुजी कुछ उसका नाम है वो अगर आप लेते हो, अभी जो आपने देखा उसके अंदर कस्टमाइज आप वाटर का टेम्परेचर रख सकते हो, वो सब कर सकते हो। सो उसके प्राइस थोड़ी ज़्यादा है, उसकी 7,000 प्राइस है। सो 12 + 17, और उसके अंदर कुछ मैंने लिमिट मेरे को रूम की पता नहीं कि कितने जन उसमें बैठ सकते हैं, मुझे पता नहीं है। सो आप लोगों को तो मैं बोलूँगा ये विला में मत आ प्लीज़। ये विला मेरे को स्टार्टिंग में अच्छा लगा था, मुझे ऐसा लगा था चीपेस्ट में अच्छा है, और यहाँ के मतलब 3-4 चीज़ें डिसअपॉइंटिंग लगी, बाकी ये विला अच्छा है, वैसा कुछ बुरा करना नहीं चाहता। और यहाँ पे प्ले स्टेशन दिया है, फिर भी प्ले स्टेशन खेलने नहीं देते भाई, प्ले स्टेशन खेलने नहीं देते। अभी सोच लो अभी किसी आदमी को गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा यार, प्ले स्टेशन सामने रखा हुआ हो और उसको खेलने ना मिले। अभी देखते हैं, हम मालिक से बात करते हैं, अगर PS4 खेलने मिलता है हमें तो हम लोग आज रात को खेलेंगे फुल नाइट, और फिर कल हमने निकलना है, निकलना भी है। सो मेरे हाथ में रिव्यूज़ तो देख लिया, सो मेरे हिसाब से केप टाउन विला आना है तो सिर्फ 8% है, 8-8% लोग आए, और स्विमिंग पूल भी एकदम वो है। स्विमिंग पूल में ना सिर्फ 3 ही चीज़ है, देखो ये देखो मैं सामने वाला आपको स्विमिंग पूल दिखाता हूँ, उसकी लाइटनिंग देखो आप, और इसकी मैं आपको दिखा, तो ये देखो ये स्विमिंग पूल का कलर है, देखो जूम करके आपको दिखाता हूँ मैं, एकदम क्लियरली पानी मेरे को यहाँ से दिख रहा है, आपको अगर वीडियो में दिख रहा हो या ना दिख रहा। आप सोच ही सकते हो कि इतना, मतलब आप सोच सकते हो बालकनी से मुझे पानी यहाँ से क्लियर दिख रहा है, पानी के अंदर क्या चीज़ है। और यहाँ का पूल भाई, हम लोग सिर्फ दोपहर, मतलब इन्होंने एक टाइम भी पूल का पानी चेंज नहीं किया है, सच्ची बोल रहा हूँ, सीरियसली टॉकिंग, सीरियसली स्पीकिंग। सो उन्होंने एक भी बार पूल का पानी चेंज नहीं किया। मैं आपको पूल का पानी कल सुबह दिखाऊंगा, कल सुबह पूरा पूल का पानी, मतलब आपको उसके अंदर ऐसे देखोगे ना तो आपको एकदम अच्छे से दिखेगा अभी तक नहीं कि अंदर क्या पड़ा है। और ये मेरे को ऐसा लग रहा है कि वो बात भी हो सकती है कि उसमें हम लोग ने यूज़ नहीं किया हो और यहाँ पर हम लोग ने यूज़ किया हो, इसके लिए हो सकता है, वैसा हो भी सकता है, बट मेरे को नहीं लगता ऐसा कुछ है। बट वो अगर हम लोग भी यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा उनको साफ करना चाहिए ना यार। और प्लस मेरे को लाइट, भाई लाइट चालू करवाने के लिए मैंने भाई उनको 3 बार फ़ोन किया। मैं अभी सीरियसली स्पीकिंग, मैं अभी पूल के अंदर जाने वाला था, बट मैं मेरे को घर वालों ने बोला कि मत जा, सर्दी वर्दी लग जाएगी, इसके लिए मैं नहीं गया। लेकिन मेरे को पूल के अंदर जाने वाला था और मैंने 3 से 4 बार बोला, 3 से 4 बार, फिर जाके वो आए, फिर मैंने चालू करवा के देखा एक बार, मैं वीडियो तो नहीं निकालवाया, बट ठीक है मैं आपको कल बता दूंगा पूल के अंदर मैं सिनेमेटिक शॉट्स लेने वाला हूँ पूल के अंदर वाले। सो मिलते हैं भाई, वापस एक सीन हो गया, मैं अभी जस्ट अभी क्लिप बना के आया आप लोगों के लिए, और तब भी एक सीन हो गया, क्या हुआ पता है, ये भाई इसका PDF 60 पेज का है, 60 पेज का PDF है। PDF के अंदर क्लियरली बोला था PS4 प्ले
PS4 बोला था, उसके अंदर चेस बोला था, लूडो बोला था, ये बोला था, कैरम बोला था, और बहुत सारी गेम्स बोली थी जो इंडोर है, टेबल टेनिस, वो सब बोला था, बट वो सबके अलग से चार्जेस ले रहे हैं। तो हमने पैसे 17,000 ऐसे ही भरे, बस यहाँ पे रहने के लिए आए, स्विमिंग किया और निकल गए। इसे जब मैं तो बोलूँ मतलब, सो गाइस अभी मैं जस्ट उठाऊ और मैं टेरेस पे आया था, मैंने व्यू देखा भाई, पूरा फॉग ही फॉग है यार, बहुत सही व्यू है, उसके बीच में से वाटरफॉल जा रहा है यार, बहुत सही दिखता है, बहुत अच्छा व्यू है यहाँ से, बहुत अच्छा दिखता है। आपको मैं दिखा रहा हूँ, सो गाइस देखो ये पहाड़ है, इसके बीच में से ये वाटरफॉल, देखो वहां से वाटरफॉल जा रहा है, और वहां पे आप पूरा देखो फॉग ही फॉग है, ऐसा लग रहा है बादल नीचे आ गए। कल मैं बात कर रहा था जिस पुल की, हमारा पुल इतना खराब है जिसका पानी इधर टेरेस से नहीं दिखता, और मेरे को सामने वाले पुल का पानी क्लियरली दिखता है। सो मेरा पुल का पानी देखो आप, ये रहा मैं पुल का पानी दिख रहा है क्लियरली, दिख रहा है, जूम इन कर दो इसके लिए दिख रहा है, नहीं तो यहाँ से मेरे को आपको नहीं दिख रहा होगा, बट यहाँ से मुझे ना पूरा ग्रीनिश पानी दिख रहा है, आपको शायद तक ब्लूइश पानी दिख रहा होगा, बट मेरे को पूरा यहाँ से ग्रीनिश पानी दिख रहा है। सो इसके लिए मुझे केप टाउन मिला इतना अच्छा नहीं लगा, और मुझे केप टाउन मिला, हम लोग नेक्स्ट टाइम सब केप टाउन में आ जाएंगे, अगर लोनावाला आना है तो, फिर भी हमने सोचा कि अच्छा मिला होगा। एक तो पहले बताते हैं, वीडियोस में बताते हैं सब चीज़ें हैं वहाँ पे, सब चेस गेम सब है, टेंट वेंट है सब, ऊपर मस्त लगा के सो जाना, और फिर एंड में क्या पता चलता है, व्यू बहुत मस्त आ रहा है बट यहाँ का यार, एंड में पता चलता है सब चीज़ें पेड़ है, पैसे सही होगी, और यहाँ का जो व्यू है यार मैं आपको नेकेड आई से नहीं दिखा पाऊँगा, मतलब आपको नेकेड आई से दिखना पड़ेगा, फ़ोन में मैं नहीं दिखा पाऊँगा, मतलब आपको एक झलक तो दिखाई दी, तो ठीक है अभी मैं इंजॉय करूँगा, फिर मिलता हूँ आपको स्विमिंग पूल के अंदर। गाइस अभी मैं स्विमिंग कर रहा था, हम लोग का स्विमिंग हो चुका है, मतलब बाकी सब चले गए, मैं थोड़ी देर बाद मजे कर रहा था, हम लोग का 10:30 को हम लोग का चेकआउट टाइम है, बट हम लोग 12 बजे ही निकलने वाले क्योंकि इन लोग ने लेट दिया था हमको, सो अभी सब तो चले गए, मैं थोड़ी देर 5-10 मिनट और मजे करके फिर निकल जाऊँगा। सो गाइस इज अ गुड व्लॉगर ब्रो, फॉलो हिम, यस फॉलो कर दो, देखो ये मेरा भाई है, इसका नाम सागर है, और यहाँ पे फोटो सेक्शन ही चल रही है, हम लोग की अभी जस्ट फोटो सेक्शन ही खत्म हुई है, हम लोग का नहा के भी हो गया, हम लोग स्विमिंग पूल में जाके भी आ गए, अभी हम लोग जाने वाले हैं मंकी पॉइंट, शायद तक मंकी पॉइंट जाने वाले हैं, और फिर ये जो सोसाइटी है उन लोग का प्राइवेट वाटरफॉल है, उधर भी जाएंगे हम लोग, सो वहाँ पे हम लोग आपको सब टाइम टू टाइम बता रहा हूँ। सो अभी हम लोग का निकलने का टाइम हो रहा है, थोड़ा बैकग्राउंड वॉइस को अवॉइड करना, और अभी हम लोग जाने वाले हैं खाने के लिए शायद तक, और फिर खाने के बाद हम लोग जाएंगे मंकी वो सब पॉइंट, और बहुत सारे पॉइंट है, टाइगर पॉइंट तो अभी बंद है तो हम लोग पता नहीं जाएगा कि नहीं, बट ठीक है हम लोग जा रहे हैं अभी खाना खाने, तो मैं आपको मिलता हूँ यहाँ पे। टोटल 13 लोग पूरी गाड़ी में बैठे हुए हैं, इतनी छोटी गाड़ी में 13 लोग हैं, इसके लिए थोड़ा वॉइस का इशू, देखो अक्सर बारिश में भी बंद हो चुका है,
मैं अभी नीचे उधर के आपको व्यू दिखाऊंगा। बारिश बंद नहीं हुआ है, बट लाइट लाइट गिर रहा है। बट ठीक है, मैं आपको व्यू दिखाऊंगा गिल्ला होकर, गिल्ला होकर व्यू दिखाऊंगा मैं आपको। अभी मैं आपको बैक कैमरा से व्यू दिखा, तो ये व्यू देखो आप गाइस, सी दिस व्यू। और इतने कितने सारे मंकीज बैठे हैं, व्यू देखो। यहाँ से पूरा ऐसा लग रहा है कि पूरा नीचे है। सो अभी लाइट लाइट बारिश गिर रही है, तो मैं तो अभी गाड़ी में बैठ रहा हूँ, फिर मैं आपको मिलता हूँ। तो गाइस अगर मैंने सोचा मेरे को भीगते तो भीगने दो, बट फोन का मेरे को सिर्फ थोड़ा सा टेंशन है, बट ठीक है वो तो चलता है। अभी हम लोग ये खाएंगे। सो गाइस अभी हम लोग यहाँ पे रुके हुए हैं, तो क्योंकि देख सकते आप, देख सकते हो हमारी गाड़ी। हम लोग को यहाँ पे किसी ने बोला था, किसी ने नहीं, मतलब एक अंकल थे, उन्होंने रास्ते में हमको बोला था यहाँ पे अच्छी घूमने की जगह है, बट उधर 2 किलोमीटर चलना था यार, 2 किलोमीटर चढ़ के जाना था यार, पहाड़ पहाड़ चढ़ के। तो यार हमने ना बोल दिया, और फिर हम लोग यहाँ पर थोड़ी देर रुके, फोटो सेक्शन किया, और फिर अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। अभी हम लोग निकले गए यहाँ से, और अभी हम लोग सीधा जाएंगे खाना खाने, क्योंकि अब तक हम लोग ने खाना नहीं खाया है। सो गाइस अपना खाना हो चुका है, मैं अभी जस्ट खा के आया। मदन लाल, ये मदन नहीं, उसका कुछ था नाम, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा मैप्स में से, वो आप वहाँ पर विज़िट कर सकते हो। वहाँ पर विज़िट करना मैं ज़रूर बोलूँगा, क्योंकि 150 का वर्थ इट है, 150 रुपीज़ तो पर पर्सन अनलिमिटेड खाना देते हैं वो लोग। और आज तो बहुत सही था, फ्रूट सलाड का वो था, दूध में मिला के फिर वो क्रश किया था फूड, बहुत मज़ा आया, वो बहुत टेस्टी था, बहुत मज़ा आया उसको पीने में। और वही सबसे अच्छी, बहुत अच्छी डिश लगी मुझे, आई डिश वही मैंने खाया, बहुत मज़ा आया। सो मैं तो बोलूँगा आपको यहीं पे विज़िट करना। सो गाइस वो सब पर ठीक है, मैंने आपको बोल दिया इसका, और ये गुजराती में लिखा हुआ है, पढ़ सकते हो। और हम लोग अभी जा रहे हैं सीक्रेट होटल नाम की कोई होटल है, वहाँ पर जा रहे हैं। मैं आपको वहाँ का पूरा व्यू दिखाऊंगा, पूरा रिव्यू दूंगा, पूरा डिटेल्स में दूंगा। मेरे को लगता है ये वीडियो का पार्ट 3 या 4 होगा, क्योंकि मैंने इतने सारे वीडियो के शॉट्स लिए, मेरे को लगता है कि एक एक वीडियो कम से कम 10-10 मिनट का होगा, और सबके वीडियो के अंदर पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 ऐसा 4-5 पार्ट तक जाएगा मुझे ऐसा लग रहा है। बिकॉज अब तो मुझे घर, यहाँ से लेकर घर तक का मेरे को वीडियो बनाना है। और मैं गेमिंग चैनल भी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उधर जाकर वो कर देना, सब्सक्राइब कर देना। और इसी के साथ मैं लोनावाला से निकलते वक्त ब्लॉग शूट करना भूल गया था, लेकिन हम लोग यहाँ पे होटल में रुके हैं, इसका नाम वेजीज है, और यहाँ पे अभी हम लोग खा रहे हैं, खाना खा रहे हैं खाने वाले। सो यहाँ पे मैंने मैरिनेटेड पिज़्ज़ा मंगाया है, और बहुत सारी डिशेज हैं। सो हम लोग अभी यहाँ से खा के फिर निकलेंगे वापस अपने घर के लिए। सो गाइस हमने सब हो गया, अभी मैं घर आ चुका हूँ, और ये है मेरा घर। सो अभी हम लोग कैप टाउन मिला के गए थे, उसकी मैं पूरी स्टोरी बता दूँ कि हम लोग के साथ क्या हुआ था, मतलब ना क्या हुआ पहले है ना, मतलब मेरे भाई को मतलब रेट बहुत ज़्यादा लगा, तो मेरे भाई ने ना उधर रिव्यू डाला, फाइव स्टार डाला था, और उसमें बोला था कि पेमेंट बहुत ज़्यादा, मतलब मनी बहुत ज़्यादा है। फिर उन्होंने मतलब उनको फ़ोन करके बोला कि रिव्यू फटाफट हटाओ तुम्हारा वो, तुम फिर देखो मैं क्या करता हूँ। अभी ये वीडियो शायद वो लोग देखे फिर हम लोग को वापस कर भी सकते हैं, बट मेरे ख्याल से नहीं करेंगे। और प्लस हम लोग के साथ मैंने फिर है ना, मतलब हम लोग विला से निकल गए, और हम लोग विला से निकल के जब भी हम लोग विला से निकले और फिर हम लोग लोनावाला में ही थे, तभी मैंने रिव्यू डाल दिया, मैंने रिव्यू डाला कि मैं व्लॉगर हूँ और एक गेमर भी हूँ, और मैं मतलब बहुत सारी जगह पर जाता हूँ, तो मुझे मतलब मुझे सब जगह अच्छी लगी थी, बट ये जगह मेरे को अच्छी नहीं लगी, क्योंकि इधर मतलब सब चीज़ के चार्जेस है। और है ना, हम लोग को जो PDF भेजा था उसके अंदर हम लोग को एक भी चीज़ मेंशन नहीं की थी कि तुमको इस PS4 के पैसे देने पड़ेंगे, का तो इसके पैसे देने पड़ेंगे, हम लोग को एक भी चीज़ मेंशन नहीं की थी, टेंट के पैसे देने पड़ेंगे, ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया था। मैं आपको PDF का भी लाइव प्रूफ नहीं दिखा सकता, बट हम लोग को एक भी चीज़ उसमें मतलब क्लियर एंड कट टू बोल दी होती तो हम लोग यार समझ जाते हैं। मैं एक बार बोलता हूँ कि मतलब हम लोग की स्टार्टिंग में गलती थी कि 1 बजे चेक इन था, बट हम लोग जल्दी आ गए थे, बट हमको एटलीस्ट बैठने की तो जगह देते यार, इतनी इंसानियत तो कोई भी रखता है यार, इतनी इंसानियत नहीं रखेगी तो यार कैप टाउन विला जाने का कोई मतलब नहीं है। और मेरे हिसाब से कैप टाउन विला आप मत प्रीफर करो, कैप टाउन विला से अच्छा आप कोई और विला प्रीफर कर लो, का तो कोई होटल प्रीफर कर लो,
मैं तो अभी कैप्टन मिला मेरे को अच्छा नहीं लगा, मेरे को बस एक ही रीजन से अच्छा नहीं लगा कि मतलब मैंने मतलब जैसे मैंने उनका मतलब वीडियो डाला फिर उनको फ़ोन पे फ़ोन आया और धमकी देना मतलब उनको पहले क्या बोला कि आपको क्या हुआ क्यों ये रिव्यू दिया ऐसा। मैंने मैंने मतलब जैसे रिव्यू दिया था ना वैसे ही 10 मिनट के अंदर अंदर है ना मेरे को फ़ोन हम लोग को फ़ोन आ गया था। अभी नंबर बुकिंग जिस नंबर से हुई थी वो मेरे बहन के नंबर से हुई थी। सो वो नंबर फिर हमको मैसेज मैसेज आना चालू हो गए कि तुम रिव्यू डिलीट करो, हम लोग के पास प्रूफ है कि तुमने हमसे माफ़ी मांगी थी और पुलिस का मतलब मतलब हम लोग पुलिस को ये सब दिखा देंगे। भाई मेरे फैमिली वाले बोले कि डिलीट कर दे डिलीट कर दे डिलीट कर दे, मैं अमन नहीं बोल रहा था बट वो फैमिली वालों ने बोला डिलीट कर दे। और मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब किसी भी बंदों ने मतलब कोई भी जो वो विला में अंदर गया होगा वो विला में 5 स्टार रेटिंग इसके लिए है क्योंकि जिसने भी 5 स्टार रेटिंग की होगी उसको धमकी देके उन्होंने बोला होगा ऐसा वैसा कर देंगे इसके लिए उनका वो हो गया मतलब इसके लिए उनका 5 स्टार रेटिंग है, नहीं तो उनका 5 स्टार रेटिंग नहीं होता। और मेरे को पर्सनली वो विला अच्छा नहीं लगा प्लस इनका मेन रीज़न मेरे को ये भी अच्छा नहीं लगा। सो मेरे हिसाब से आप कैप्टन विला मत जाना और अगर आप रिव्यू देते हो तो आपके साथ ये इशू हो सकते हैं। और सो इसके लिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि मत करना, मैं आपको ऑडियो की एक झलक झलक दिखा सकता हूँ। आई एम रियली सॉरी टू से दैट कि आपकी जो हरकतें और बदतमीजी आपके जो बंदे कर रहे हैं और ये आपके लोग घर वाले कर रहे हैं इट्स नॉट फेयर इनाफ। ठीक है कोई बात नहीं है, आपने मुझे रिव्यू डाला ये डाला है ना, पहला रिव्यू आपने क्या डाला उसके बाद आपने रिव्यू को चेंज किया फिर आपने रिव्यू डाला फिर आपने सॉरी बोला आपने सब सारी रिकॉर्डिंग है मेरे पास एक्स वाई जेड पूरी रिकॉर्डिंग है आपकी किस तरह आपने माफ़ी मांगी किस तरह वो किया और आपने बोला ये सारी चीज़ें मैं लोनावाला पुलिस स्टेशन में सबमिट करूँगा और अपने वकील से नोटिस भेजूँगा आपको और मानहानि का आपके ऊपर दावा करूँगा। फिर आप भागते रहिएगा और करिएगा सर और उसके बाद आप मुझे बोलोगे कि सर मुझे प्लीज़ माफ़ी कर दो ना, मैं उस तरह का बंदा नहीं हूँ। ठीक है क्योंकि ये आप लोग जो गेम खेला ना आपने दिस इज़ नॉट फेयर। आपने लेट चेकआउट किया हमने कुछ नहीं बोला, ठीक है आपने जो जो बोला मैंने किया। आप उस तरह अगर किसी का नाम बदनाम कर आप यू सीधा रिजल्ट ना आपने जो हरकत की ना मैं अभी आपको कैसे क्लेम भेजता हूँ आप देखो। आपको आप लोग क्या बदतमीज़ी आप लोग हद करके रखी बदतमीज़ी की आप लोग ने। हमने चेक इन किया था 1:30 को गैस हमको उन्होंने 1 बजे से हम लोग 1 बजे मतलब हम लोग 12:30 को आ चुके थे, हम लोग को फिर भी 1 घंटा बिठाया हम लोग को बाहर और हम लोग 1:30 के अराउंड हम लोग ने विला के अंदर एंट्री ली। और फिर मतलब उन्होंने बोला था उनके टर्म्स एंड कंडीशन में कि 1 बजे के 1 बजे में अपने को अंदर मतलब मिल जाएगा विला के अंदर अपने को रूम मिल जाएगा मतलब वो मिल जाएगा विला मिल जाएगा बट फिर भी हमको नहीं मिला। और फिर अगर आप हमको पूछ रहे हो ऐसा हम लोग ने चेकआउट पहले ही कर दिया था, उनके जो स्टाफ थे बहुत रूड थे, हमको बोला चलो निकलो खाली करो निकलो निकलो ऐसा हमको मतलब। और हम लोग स्टार्टिंग में आए थे ना तभी भी ऐसा ही बोला था मतलब तभी भी बहुत रूडली बिहेव किया था, मुझे नहीं पता भाई तुम बॉस से बात करो ऐसा वैसा। सो ये क्या तमीज़ रहती है यार। और प्लस हम लोग ने चेकआउट हम लोग ने 10:30 के आसपास हम लोग ने कर दिया। हम लोग 9:30 को पूल से बाहर निकले, 10 बजे तक फ्रेश हुए, फ्रेश होने के बाद चेंज वेंज कर किए और फिर थोड़े बाद फोटोज़ खींचे के बाद हम लोग निकल गए। फिर भी इसने हम पे ऐसा इंजाम लगाया कि हम लोग 11:30 के बाद निकले, ऐसा इल्ज़ाम लगा रहा है। सो ये गलत बात है यार उसकी। और ये प्लस ये रिकॉर्डिंग आपने जब जो अभी सुनी वो रिकॉर्डिंग आपको फेयर लगती है या नहीं लगती आप देख लो, उन्होंने हमको साफ धमकी दी है यार कि आपको पुलिस स्टेशन में वो करेगी। गाइस ये मैं एडिट करने के बाद वो कहता हूँ, अगर आपको देखो ये फेयर नहीं लग रहा है तो आप एक काम कर सकते हो मेरे लिए मेरे सपोर्ट में, आप एक चीज़ कर सकते हो, आप एक काम कर सकते हो, मैं उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देता हूँ, वो उधर जाके आपको है ना रेटिंग देना है, रेटिंग में आप लिखोगे लव फ्रॉम लीवो गेमिंग और 1 स्टार दोगे और बोलोगे कि लीवो गेमिंग मत डालना YC ब्लॉग्स डालना और बोलना YC ब्लॉग्स के साथ बहुत बुरा किया तुमने। अगर तुमको ये हमारे साइड अगर तुमको लगता है कि हमने कुछ गलत किया है तो तुम मुझे कमेंट डाउन करो यार भाई, मैं अपनी गलती को सुधारूंगा। और तुम्हें लगता है कि उसने कुछ गलती की है तो आप जरूर से उसके उधर जाके
और गूगल पे जाके सर्च करने के बाद उसको कंफर्म आप रिपोर्ट करिएगा और रेटिंग डाल के वहाँ से लिखे लव फ्रॉम YC ब्लॉग्स. Through it, and the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow till I finally prove it. Never listen to